आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हमारे फोन पे इनकमिंग कॉल आता है ना, तो रिंगटोन की साउंड की आवाज तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना है क्या, सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ये कॉलिंग का ऐप है ना, इस कॉलिंग के आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, ठीक है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको ना तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए मोबाइल फोन को आपको ना रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए सेटिंग पेज को ओपन करेंगे ना, इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, रीसेट, ठीक है। तो रीसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको ये ऑप्शन दिखेगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होते ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को ना रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का खासकर ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।